आप लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज जो है ना मेरे पास इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोगों को अच्छी भी लगेगी वो, अंदर है मैं आप लोगों को भी जाके दिखाऊंगा। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को जरूर तक एंड तक चले। जो है ना गार्डन में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं वो गार्डन में ले आया हूँ चीज़ जो मैंने आप लोगों को भी बताया था। तो आप लोगों को ना ही मैं अभी दिखाऊँ, यानी मैं सोच रहा हूँ वो आसे के पास है उसको पकड़ के बैठा हुआ है, सोच रहा हूँ दिखाऊँ यानी कैमरे पर हाथ रख लेता हूँ। चलें भाई 1 2 3 ये देखें माशाल्लाह फुल वाइड है। और अभी मैं आपको इसकी आइस नहीं दिखाऊंगा, जो मेन चीज़ है ना वो नहीं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। और ये देखें फुल वाइड है और माशाल्लाह से, ये देखें इसकी घंटी पहना हुआ गले में और इसकी आइस देखें, देखो आगे ही बंद कर ली इसने, आगे ही बंद कर ली पूरा। लो दिखाओ कैमरा दिखाओ, ये देखें इसकी आइस देखें, देखें एक इसकी जो है ना ब्लू है और एक येलो आइस है माशाल्लाह से, और पिंक ना के बिल्कुल। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत भारी है। और ये देखें इसकी गले की येरी है। और ये देखें भी ये हम लोग गार्डन में लाए थे, घूम रहे हैं ये भी गार्डन में पूरा यहाँ पे। सही है, हम लोगों ने बोला बाहर छोड़ेंगे तो बाहर तो भाग जाएगा, तभी गार्डन में खुला हुआ। ये देखें कैसे खेल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें खेल रहे अभी यहाँ पे आगे। पहले जब हम लोग लाए थे तो पिंजरे में बंद था, तो अभी जब हम लोगों ने इसको खोल दिया, लाए नहीं है। मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि कैसे आया और किसने दिया है, अब इसके साथ क्या करना है मैं आप लोगों को भी बताऊँगा। मगर अभी आप लोग ये देख लें, मगर पहले कितना माशाल्लाह से प्यार है ये। हाँ तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ से आया और किसने दिया है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा यहाँ पे जो जिधर हमारे जानदार है सारे, वहाँ पे जो है ना ग्राउंड में ही घूम रहा था, पता नहीं किसका यहाँ कि किसी ये भाग कर आया किसी के पास से, तो उसके पीछे कुत्ते और बिल्लियाँ भी लड़ रही थी इससे, और कुत्ते भी पीछे लगे हुए थे। तो हम लोगों ने इसको उठा लिया, हमने बोला जिसका होगा वो आएगा ले लेगा, वरना हम इसको पाल लेंगे। तो देखें माशाल्लाह से अभी हमारे पास ही है, और कोई आएगा तो हम दे देंगे इंशाल्लाह उसे वापसी, वरना हम रख लेंगे ऐसे ही कोई नहीं आया तो। और अभी जो है ये यहाँ पे घूम रहा है, और खाने में जो है ना ये बताऊँ क्या खाता है, बॉयल चिकन खाता है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाता। हम लोगों ने चेक करा ना ही दूध पीते ना ही खाता, बस बॉयल चिकन खाता है। पहले वाले व्लॉग में जो मैंने उस दिन बनाया था कि हम लोग यहाँ पे कौन सा एनिमल रख रहे हैं, शायद मुझे जहाँ तक के याद है नहीं बताया था, तो बता देता हूँ आप लोगों को आज कि हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं रैबिट, और रैबिट्स के लिए बन रहा है ये घर, मगर अभी तक इसके ऊपर काम नहीं हुआ। और इंशाल्लाह कोशिश है कि जल्द से जल्द काम हो, मगर क्या करें काम नहीं हुआ अभी तक इसके ऊपर, तो के कल या परसों से इंशाल्लाह इस पर काम शुरू हो जाएगा, जाली वाली लगना, फिर दरवाजे भी बनेंगे इंशाल्लाह। हम लोग जो इसको ले आए हैं तकरीबन इसने आधा घंटा वहाँ पे घूमा फिरा, ये देखें सांस फूली हुई इसकी अभी, और अभी जो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स हो रहा है वाले बच्चा, बहुत प्यारा है यार माशाल्लाह से ही, माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग भी लिख दिए कमेंट में, और माशाल्लाह से बहुत प्यारा बहुत बहुत बहुत। और ये देखिए हाँ पर इसको गर्मी लग रही है अभी, पानी अभी नहीं दूंगा वरना बीमार हो सकता है क्योंकि। और ये जो है ना हमारी जो बिल्ला है ये इसके अंदर रहता है,
इस वाले पिंजरे के अंदर। रात को यहीं पे बंद कर गया था, बाकी पूरा दिन जो है ना यहीं घूमता रहता है। वाला बकरा है ना, इसके पाँव पर पता नहीं क्या हो गया, ये देखें दर्द हो रहा है इसको बहुत, और पाँव भी रखा भी नहीं जा रहा, तो दवाई लगाई है वेस भाई ने इसके पाँव को। ये देखें ये है ना, इसको बहुत दर्द हो रहा है, रखा भी नहीं आ रहा, हल्का हल्का पाँव रखता है जमीन पे। दुआ करिएगा कि ये ठीक हो जाए, ताकि दूसरा वाला जो बकरा है ये तो ठीक है माशाल्लाह से, इसको कुछ नहीं हुआ हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों की ग्रोथ अच्छी हुई है वेस भाई, माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं दोनों की, और दोनों ही माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर कह दिए वो बहुत अच्छे हो गए। पहले जब आए थे आप लोगों ने देखा ही होगा, और अब देखें माशाल्लाह से, मगर इसके सिंह देखें बहुत बड़े हो गए, ये नोक वाले हो गए, किसी के लगभग आ जाएंगे, बस बच के ही रहना पड़ेगा अब इसके सिंह को, समझना लगभग आ जाएंगे। और ये जो इसके पाँव है ना, इसके लिए आप लोगों ने दुआ करनी है कि ठीक हो जाए बेचारा, बहुत अजियत में इसके पाँव हल्का सा रखता है अभी, और पानी वानी रख दिए इसको, यहीं पर खोल के जा रहे हैं, और उसको कहते हैं बाय बाय, उसको मिलेंगे फिर कल सुबह, ठीक है। मगर ये पता नहीं क्यों चीख रहा है, शायद अकेला इसकी वजह से चीख रहा हूँ, और लाइट भी नहीं आ रही तो उसकी वजह से लाइट भी नहीं जल रही है, लाइट आएगी तो ठीक खुद ही हो जाएगा क्योंकि लाइट जलेगी तो अभी ये घूमता रहेगा, फिर कल मिलेंगे तुमसे भाई। ओ भाई देखिए पूरी रात हो गई है, बस वो लाइटें जल रही हैं वो आप लोगों को दिख रही होंगी, बाकी पूरे ग्राउंड में अंधेरा हो रहा है, इसको फुल फुल अंधेरा हो चुका है, कोई भी नहीं है। और अभी जो है इन लोगों को भी अभी अवेश भाई आके शायद अंदर अंदर करें, क्योंकि सर्दी होती आ रही है, ठंड हो रही है, तो शायद अवेश भाई इन दोनों को भी अंदर करेंगे। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को हम लोग सर्दियों की रात दिखाएं अपनी, कि हम लोग कैसे यहाँ पर गुजारते हैं, हम लोग अभी आँख वाँख लगाएंगे थोड़ा सा माहौल वाल बनाएंगे, और मैंने जैकेट भी पहन ली देखी, ये सर्दी हो रही है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, ये लकड़ियाँ पड़ी हैं हमारे पास सही है, लकड़ियों को भी जलाएंगे और भी लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, तो हम लिए मैंने इसके अंदर जो हम लोग अभी आगे से जाएंगे लकड़ियाँ जमा करने, फुल अंधेरा हो रहा है, तो ये मोबाइल की लाइट जल्दी इसी से जाएंगे बस लकड़ियाँ इसमें जमा करने थोड़ी और जल्दी जल्दी। यहाँ पे कोई लकड़ी एक लकड़ी मिल गई अभी, अभी तो हमें 5-6 लकड़ियाँ ऐसी जमा करनी होगी और भी, और बाकी देखते हैं कहीं से मिल जाए, और एक ये बड़ी दो हो गई हैं, और भी आगे चलते हैं जमा करते हैं, मैं आप लोगों को ज़्यादा जमा करके ही मिलता हूँ, ठीक है। सारी लकड़ियाँ हमने जमा कर ली हैं, और अभी चलते हैं वापसी, फिर आग लगाते हैं इन सब, सही है। ये देखें और भी जमा कर लिए, और पहले से और भी पड़ी है, मैंने और अब्दुलवासी ने जो है अभी आग लगा दी है, बड़ी मुश्किलों से लगी है, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, ये देखें सारी लकड़ियाँ उकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, पीछे भी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, कागज़ वगैरह, बड़ी मुश्किलों से आग लगी है हमारी, और भी लकड़ियाँ लेकर आए हैं आप लोग, और लाए अभी पेटी वगैरह थी इनको तोड़ा, बड़ी मेहनत लगी, आँख जली नहीं रही थी, और ये देखें आँख देखें कितनी तेज, देखें ऊपर चांद और एक तारा, और नीचे देखें आँख चल रही है सर्दियों की रात, और अभी जो है रात के शायद 10:30 हो रहे होंगे शायद, 2-3 और डंडियां डाल दो बस चलती रहेगी। ओए वो भाई गर्म हो रही थी, ये देखें हाथ पे लग गई, बड़ी गर्म हो रही थी, छोड़ दो अभी कुछ नहीं करना, ये देखो पानी कैसे निकल रहा है, मोबाइल दो, ये देखें ये पानी निकल रहा है इसमें, ये पानी वाली होगी ना, अरे ये तो कम हो रही है, जल्दी कागज डालो, हम लोगों ने जो है पूरी आँख वाँख खत्म कर दी, आँख हमारी जो खत्म हो गई थी, तो अभी हम कोयले बचे हैं, और कोयलों के ऊपर हम लोग पका रहे हैं आलू, ये आलू देख ही रहा हुआ आप लोगों को, ये आलू हम लोग कोयले पे पका रहे हैं, और देखें पक भी गए काफ़ी ज़्यादा, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को हम लोग ये भी शेयर करें आप लोगों से ये, और ये बड़ा यमी बनता है, मैं आप लोगों को खाते हुए भी दिखाऊंगा, इसको छीलते हैं और फिर खाते हैं, शायद कुछ लोगों ने खाया होगा, ये देखें कोयलों पे पकाए हम लोगों ने, और अभी तक कोयले जो है ना गर्म हो रहे हैं बिल्कुल, और ये देखें वासने भी आता रहा,
गर्म हो रहे हैं और कोयले जो है ना अभी ये गर्माइश हो रही है, मगर ये इनके अंदर आग तो नहीं जल रही है। ये देखें थोड़ी सी आग इसके अंदर जल रही है, क्योंकि ऐसे हो रहे हैं। ये देखें इतने पक गए हैं आलू, ये देखें अंदर से ब्राउन ब्राउन भी दिख रहा है इसके। ये आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, पीछे वाली साइड कच्ची है वरना मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कि कैसे बना। मिनट के लिए छोड़ दिया था, और ये देखें दूसरी वाली साइड को मैंने भी पलटा के देखा है। ये देखें ये वाली साइड से भी पक गया माशाल्लाह से, पूरा यहाँ से भी अंदर से दिख रहा है और यहाँ से भी पूरा हो गया। मतलब कि हम लोग अभी इसको छीलते हैं और फिर खा के आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। मैं इसको निकालता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। प्लेट मैंने ले ली है तो अब इसको अंदर से निकालते हैं आलू को। खाते कैमरा पर पीछे वाली साइड को हम लोग डालेंगे ताकि निकालें। ये आ गया है, सही है पूरा आलू हमारा इसके अंदर। आज शेफ बने हम लोग, कैसे कर गरम तो हो रहा है, मगर क्या करें खाना भी तो है ना। ठीक है तो छीलते हैं, पूरा छीलता हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ये देखें मैंने पूरा आलू को जो है ना फिर तब तक छील लिया। ये देखिए सारा छीका उसके अंदर भी पड़ा हुआ है और आलू जो है मैंने छील लिया बिल्कुल। सही है, वी आई पी हो गया आलू। और अभी मैं इसको बीच में काटता हूँ, आधा मेरा आधा वासे का। ये देखें काम भी इससे कर रहे हैं, पूरी रात बात कड़े आते तो हम लोग किससे कर रहे हैं, चम्मच पूरा छील रहे हैं। ये देखें कितना नरम है, कितना आराम से कट गया। और गर्म बहुत हो रहा है, हाथ गए धुआं कैसा निकल रहा है दिख नहीं रहा हूँ शायद आप लोगों को, पर धुआं निकल रहा है इसमें बहुत गर्म है। मैं आप लोगों को एक बात ये देख भाई, अभी रात के 11:10 हो रहे हैं, आप लोगों को सोना नहीं है क्या? जाएं घर पे आके सोए जल्दी से, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि मेरी आज की वीडियो देख सकते हो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीन होने ऑन ईयर रखिएगा, खुश ना खुश के हमारे से लेंगे इतने कॉन्टेंट के साथ। गाँव में याद रखिएगा अब्दुल और अब्दुल वासी को। सब खत्म हो गया अब तो, आँख वाँख तो जल्दी से सारी चीज़ें मतलब हम लोग फेंक दें। अभी फुल ऑफ फुल बारिश चल रही है बड़ी ख़तरनाक वाली, और हमारा बिल्ला जो है ना यहाँ पे खाना खा रहा है अपना, सही है गोश्त वगैरह, और यहाँ पे हो गई है बारिश। मैंने अभी व्लॉग एंड कर रहा था, मैं और वासे भी बैठे हुए थे बातें कर रहे थे और अचानक से मौसम बदला है, हम लोग बातें कर रहे थे और ठंड भी बहुत बढ़ गई है। अभी हम लोग अंदर आए थे ये देखें बिजली कड़क रही है भाई, डर ही लग रहा है, बस अल्लाह पाक रहम करे। नीचे बिजली आ रही है हाँ, और ये देखें फुल बहुत तेज़ बारिश हो रही है, देखें नीचे नीचे पानी यहाँ पे और गया। अब मैं सोच रहा हूँ अब मैं बाहर कैसे निकलूँ, मैं इसको खाना देने आया था, जैसे ही खाना देने आए बारिश फ़ौरन शुरू हो गई, क्योंकि बिजली कड़क रही थी कब से और हमें लग रहा था कि बारिश हो जाएगी और हो गई है अचानक से, बड़ी तेज़ वाली हो रही है अभी। और अब मैं सोच रहा हूँ कि बाहर निकलूँ कैसे, क्योंकि मुझे बाहर ही आना है अभी। लात मार के गेट खोल के दिखाता हूँ आप, ये देखें अंदर आ रही है, ये देखें पूरा गीला हो रहा है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है बारिश पूरी। अभी थोड़ी रुक गई मगर पहले बहुत तेज़ हो रही थी। ये देखें बिजली कड़क रही है, अल्लाह वे पानी आ रहा है कैमरे पे। आप लोगों को यही बताना था, अल्लाह हाफिज़।